बहराइच जिले के ब्लॉक पखरपुर के ग्राम पंचायत कोदही में पिछले 6 महीने से हैंडपंप खराब था, जिस पर मैंने 1 माह पहले एक वीडियो बनाया। हैंडपंप नल खराब पड़ा, नल खराब पड़ा है, अभी घर के भीतर भी नल नहीं है। नल कितने दिन से खराब? 6 महीना हो गया। सही करवाने के लिए कोई प्रयास किया आप लोगों ने? प्रयास बहुत किया, लेकिन पैसा कौड़ी जब नहीं जुड़े तो क्या कहाँ से क्या करें हम। कोई समस्या तो कोई रहा नहीं, पर प्रधान ने कराए न कोई करावा। नल बन जाएगा तो क्या फायदा होगा? फायदा हर एक जो है घर वालों को पानी पीने मिलेगा, 5-6 परिवार के यहाँ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नल बन जाए, नल ठीक हो जाए, पानी देने लगे। कितने परिवारों को हैंडपम्प नल खराब होने से समस्या हो रही है? यहाँ 8 घर है, मतलब नल कितने दिन से खराब? 6 महीने। तो ये नल खराब होने से समस्याएं क्या क्या हैं, मतलब पानी कहाँ? समस्या है कि पानी नहीं मिल रहा है, मतलब दिक्कत है, नहाने धोने में परिवार में दिक्कत है पानी का। वीडियो बनाने के बाद लोगों को जागरूक और संगठित करते हुए इनकी समस्या पर बदलाव ला पाया। ये हैंडपंप जब खराब था तो कितना दूरी जब पड़ता था पानी लाने में? कम से कम 200 किलोमीटर, 200 मीटर जाए पड़ते रहे। कितना पानी लगता था? कि कम से कम 15 बाल्टी लगते रहे। कितना समय लगता था? 1.5 घंटा। अब क्या बदलाव आया? अब बदलाव सही हो गया है, यहाँ पर बगीचे हो गया है, ठीक हो गया है, तो 1.5 घंटा में हो जाता है पानी। आपको कैसा लग रहा है? अब तो ठीक है, मैं करो मैं कर पानी आ रहा है, मैंने इनके जीवन हो रहा है, पानी से ओपन हो रहा है। नल 6 महीने से खराब था और घनश्याम जी ने आकर उसका वीडियो लिया और कुछ दिन के बाद, लगभग 3 महीने के बाद नल की सुधार हुई, हम लोग को पानी की सुविधा मिली। अब आपको कैसा लग रहा है? अब पानी लाने में सुविधा। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार कैमरे के दम पर वीडियो बनाता रहूँ और लोगों की समस्याओं पर बदलाव लाता रहूँ। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।